24 तारीख में जो दंगे की आग भड़की, तो क्या हुआ था असल में? मेरा शोहर, मेरे शोहर यहाँ पे चौक पे ठेला लगाते थे जी, 24 तारीख को उनको ठेले में आग लगा दी, फल से भरे हुए में। किस चीज़ का ठेला था? पपीता बेचते थे वो, उसमें आग लगा दी। और फिर रात के 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक ये दौर चलता रहा, इसी तरह घर जलाते रहे। और मैंने पुलिस को बहुत फ़ोन करे, अच्छा। मैंने खुद अपने नंबर से फ़ोन करे, लेकिन उधर से कोई सुनवाई नहीं हुई। फ़ोन उठाया नहीं उठाया उन्होंने? उठाया फ़ोन, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया, ठीक है मैम, हम मैडम हम 5 मिनट में अभी पुलिस भेज रहे हैं, जबकि हमारे से ज़्यादा दूर थाना नहीं, हमारे पास में थाना है, लेकिन वहाँ उधर से कोई नहीं आया। फिर आधा आधा घंटे बाद मैंने कम से कम 10 बार फ़ोन करा, लेकिन उधर से कोई नहीं आया। फिर एक बार आए और आके ऐसे घूम के चले गए, वो जो दंगा करने वाले थे वो उनके सामने खड़े हुए, लेकिन कोई उतरा नहीं, ऐसे ही चले गए वे घूम के। तो ये जो एक भीड़ आई थी जी, वो किस तरह की भीड़ थी वो? जी भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, शाम के वक्त, रात के 24 तारीख को तो कम थी, ज़्यादा ऐसे होंगे 30-40 लड़के, और जो सुबह के वक्त भीड़ आई वो बहुत ज़्यादा थी। तो कौन लोग थे वो? जी कुछ पास के भी थे, अपने ही के पास के, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ। अच्छा, जानने वाले थे, मोहल्ले वगैरह के? मोहल्ले वाले भी थे जान। अब ये बताइए भाई साहब, आपको पता है यहाँ पे मोमडन है सब लोग, बाहर को ये तो नहीं पता नहीं, हम मोमडन है या हिंदू है? अगर आप लोग यहाँ के बताएंगे तभी तो पता चलेगा। अब वहाँ पे जो मुसलमान के घर है, वो किसी ने आपसी ने बताए तभी तो उन लोगों को पता चला कि ये लोग मुसलमानों के घर हैं। और कितने लड़के ऐसे हैं जो मैं भी जानती हूँ, भंगियों के लड़के थे वे, भंगियों के थे, और कोई कुम्हार भी हैं, हिंदू कुम्हार भी हैं, और हिंदू खटीक भी हैं। या पक्की बात बोलिए, आप जानती थी उनको? जी जानती थी, मैं खुद देखे उनको, उन लोगों ने ही दुकानें तोड़ी। अगर हिंदू के घर में कोई मुसलमान की दुकान है, उस दुकान को तोड़ा और बाहर निकाल दिया, सामान रोड पे गिर के जलाया, और जो किसी मुसलमान की दुकान है वो अंदर ही आग लगा दी उन लोगों ने। तो आपका क्या क्या नुकसान हुआ उसमें? जी हमारा, मैं किराए पर रहती हूँ, ऊपर मेरे मकान मालिक रहते थे, नीचे मैं रहती थी, हमारे तीनों मंजिल में आग लगा दी उन लोगों ने 25 तारीख को। सब लूट के ले गए जी, चीज़ें वीजें तो अगर जलती तो हमें तो मिलती, वो बाद में हम वहाँ पे गए, हमें कुछ नहीं मिला। दो बच्ची हैं मेरी, दोनों बच्चियों की चीज़ थी, और 50,000 रुपये मेरा कैश रखा हुआ था। तो आप कैसे निकली वहाँ से फिर? जी हम कम से कम 14 घंटे में निकले घर में से। हमारे बराबर में पंडित रहते हैं, जब हमारी तीनों दोनों मंजिलों में नीचे आग लग गई तो उन्होंने हमें अपनी तरफ उतार लिया। क्या नाम था उन पंडित जी का? जी पंडित जी के नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन बस उन्हें पंडितानी के नाम से ही हम जानते हैं। उन लोगों की भीड़ में कोई ज़्यादा 35 साल से नीचे के थे वो लोग सब, कोई भी उनमें 40 साल का या 50 साल का नहीं था, भारी भरकम इंसान नहीं थे, 35 साल से नीचे थे वो लोग, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे वो लोग। कि उनके हाथों में हर चीज़ थी, उनके हाथों में छोटी छोटी बंदूकें भी थी, और जो नली होते नल के पाइप भी थे, सरिये भी थे, हॉकी थी, बल्ले थे, उनके हाथ में कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो नहीं थी, और डंडे थे उनमें, आरी सी गड़ी भी थी गोल गोल, जो जिससे लोहा काटते वो आरी गड़ी भी थी उनमें, और ईंटें भी मार रहे थे वो लोग। कोई आपकी फैमिली का कोई मेंबर जख्मी तो नहीं हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमने नीचे का गेट लगा रखा था, उसमें ताला डाल रखा था। उस वक्त आपके शोहर कहाँ थे? जी मेरे शोहर भी हमारे साथ ऊपर थे, हम 13 मेंबर थे, 13 जने थे हम यहाँ पे, मकान मालिक के बच्चे थे, मकान मालिक थे, हम थे खुद। तो नीचे की मंजिल में जिस वक्त आग लगाई और कार निकाल के तो बाहर आग लगा दी, उस पर सामान घेर दिया। दिल्ली की सरकार क्या कह रही है, कुछ उन्होंने आकर के आपके पास बातचीत की या नहीं? जी नहीं, कुछ नहीं उन्होंने बात करी हमारे पास आके, ना ही वहाँ पे कोई मीडिया वाला गया हमारे पास। और फिर जिस वक्त आग लगा दी, हमने जो गाड़ी आती है आग बुझाने वाली उसको पास भी फ़ोन करा, उन्होंने भी बोल दिया कि नाम के मैम हम नहीं आ सकते, कि हम किधर को आए, चारों माए तो दंगा फैल रहा है, कोई नहीं आया, किसी से भी सुनाई नहीं हुई कैसी भी। तो आप जो दिल्ली गवर्नमेंट है उससे कुछ उम्मीद की, आप उम्मीद कर सकती हैं कुछ आप उससे? अब देखो भैया, क्या नाम, जिसने जान नहीं बचाई तो वो क्या देगा। अब भैया ये है कि उधर कोई नहीं जा रहा, सबका डर का माहौल है, दिल में दहशत है, एक तरह की हिम्मत नहीं है अभी उधर जाने की। तो आप वहाँ किराए पर रहती थी? जी मैं किराए पर रहती थी, मेरे मकान मालिक भी वहाँ पर नहीं रहते अब, वो भी कहीं और चले गए हैं।